नमस्ते प्रणाम, मैं आपका भाई सिंगर धर्मेंद्र कुमार आज मैं लेकर आया हूँ नैनागढ़ की लड़ाई उर्फ आल्हा और सोनमा का विवाह। तो इस नाटक में देखेंगे कि नैनागढ़ में लड़ाई कैसे होता है और आल्हा और सोनमा का विवाह कैसे होता है। तो इस नाटक के प्रूफ राइटर हैं ललित कुमार, जिनका घर पड़ता है बांकीपुर मछरियामा जिला पटना। तो लीजिए, आपके स्क्रीन पे हाजिर है भाग पहला। अरे आज सब सखी से मैं कुछ कहने के लिए चाहती हूँ। सखी क्या कहना चाहती हूँ? मैं क्या कहने के लिए चाहती हूँ, ये सुनो, मैं सुना देती हूँ। हमारे दिल में एक शौक श्रद्धा लगी है रे सखी। अच्छा, वो तुम्हें पूरा करनी होगी। क्या चीज का ललसा? आज हमारा दिल में श्रद्धा है कि माँ देवी और दुर्गा को जाकर, माता देवी को मंदिर में जाकर पूजा कर लेती तो बहुत सुंदरी की बात रहती। का विचार है सखी? ए सखी, जैसन तोहरा के विचार वैसन हमरो के विचार बा। का तोहरो के विचार है सखी? ए छोटकी सखी, तोहरा के का विचार है? हमरो के विचार है सखी। वाह रे वाह, हमरो के विचार है सखी। ए सखी का? ए सखी, लेकिन सुना का कहे थी? का के बिचारा बा सखिया लेला सोना सखिया से पूजा। अच्छा,
जी आज हम लोग बगैर सोना सखी के पूछे हम लोग पूजा करने के लिए चली जाती हो तो सखी नाराज हो जाएंगे, तो हम लोग चले और चलकर सोना सखी से विचार ले लें। हाँ सखी चला जाए क्या चले के ना। हाँ हाँ ए मास्टर साहब चले के ये बताओ कि आज तुम लोग बहुत खुश नजर आती हो। खुश नजर आने की बात क्या है? खुश नजर आने का कारण है सखी। हाँ हाँ आज हम लोग सब सखी के दिल में विचार हुई है सखी। हाँ हाँ कि चलकर माँ देवी को मंदिर में पूजन कर लेती तो बहुत सुंदर की बात रहती। ये तो तुम अपने दिल में अच्छा विचार बनाई हो कि चल करें माँ देवी को पूजन कर ले। हाँ सखी तो इसमें मैं भी सहमत हूँ, चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन लेकिन क्या है, जाने से पहले मैं अपनी माँ से विचार ले लेती हूँ, उसके बाद चलना। ठीक है सखी, यदि ऐसा बात है तो जाइए अपना माता से विचार लेकर आइए, हम लोग यहीं रहते हैं। ठीक है पुत्री को या सिर्फा बेटी सोना सोना माँ जुग जुग जिया महादेव सोना सुना माँ ये बताओ कि मैं नित्यदिन तुम्हारे महल में देखती थी तो काम धाम के चक्कर में रहती थी, क्या चंचल चेहरा क्यों है माँ? इसलिए कि आज मैं एक दिल में विचार बनाई हूँ कि चल करें देवी माँ को पूजन कर लेती और शुद्ध मन को शुद्ध बना लेती, इसलिए मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ। कैसी बात है? हाँ सुन सुन खुश
एक बात के बेटी माँ सोच लया अपन दिलवा में बतवागे बेटी बोली सोच लया अपन दिलवा में कारला पुजानवा हे 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 बेटी जई हाले ताया मामा कारला पुजानवा गे धिया वजाई हागे यार खुशी एक बात अगे सोचला माँ माँ जाओ जाओ तुम्हारे ये पूजन करने के लिए मैं जरूर दे सकती हूँ तो ठीक है माँ मैं चलूँ चलूँ हाँ जा सकती हो ठीक है माँ माँ खुशी रहो अरे अरे वो गोरिया मैं अपनी माँ से आज्ञा ले ली अब चला जाए जाए देवी दरबार में हाँ लेकिन जो सिंगार का बक्सा है वो पूर्ण ले जाएगा इसलिए मैं अपने दरबान को बुला लेती हूँ हाँ ये सखी काहे कि इतना सखी से जा रही हाँ ते साथ में एक मर्दुआ ना रहे तो अच्छा ना लगी ओ दरबान ए दरबान हाँ बोला हम लोग सारा सखी सहेलियाँ अच्छा देवी दरबार में देवी पूजन के लिए जा रही हूँ तुमको साथ चलना है जय हाँ हाँ चला था सिंगार का बक्सा ही नहीं अलगाओ गाओ हेलो अरे देवी के मंदिर बकता न दूर है रे
का सिंगार का बक्सा उतार दो। हेलो 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 ए दरबान ई का कहिला हमर सिंगार के बक्सा तोड़ देला। बाप रे बाप हमर मुड़ी टूट गेले जी, जादे वजन हो गया वजन। बाप रे बाप कौची कौची ओकर में कह दे रख ले तो हनी ई सखी सखी साइड कर दो कर दो। और हम लोग देवी दरबार में आ चुकी हूं, अब देवी माँ को हम लोग भजन कर लो। अभी जो देवी दरबार में मांगना है वो अपने अपने मन से तन से देवी दरबार में माँ से मांग लो। तो हूँ मांग लेना लेना। आए भारत दिया माता जी प्रभु श्री राम चंद्र ऐसा आज मारा तदीहा मैया प्रभु श्री राम चंद्र ऐसा आज दे बर तदीहा वीर लक्ष्मण जैसन जी हमारे आज दे बरता दिया अबीर लक्ष्मण जैसन जी हमार आज बरता दिया आपसे ही प्रार्थना करती हूँ कि वर दीजिएगा प्रभु रामचंद्र जैसन, देवर दीजिएगा वीर लक्ष्मण जैसन। मैं इतना ही आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ वहाँ वहाँ कि प्लीज मेरी मेरी बात पर आप ध्यान दीजिएगा। हे माता, मैं क्या मांगती हूँ माँ माँ जो मैं खुद ही कहकर सुना देती हूँ। इहे भाव में आओ जाके का कहनी है का की बान लल है नहीं हलवे मैया बान लल है ससुरा ए बान ली रहे नहीं हरवे मैया बान लल है ससुरा लहे नहीं हलवे मैया बान लल है ससुरा ए बान ली रहे नहीं हरवे मैया बान ली रहे ससुरा बाकी हजू है मैया ला 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 है
से अरे नहीं हर अब सुनो सिंगार बच्चों अपन कर करें अपने अपने घर को चला जाए ए सखी चला सिंगार की मंजिल लावा अपना अपना सिंगार कर ए सखी नमस्ते प्रणाम। मैं आपका भाई सिंगर धर्मेंद्र कुमार। आप लोग देख रहे थे नैनागढ़ की लड़ाई उर्फ आल्हा और सुनमा का विवाह। तो आप लोगों ने अभी तक भाग पहला देखे हैं, तो लीजिए आपकी स्क्रीन पे हाजिर है भाग दूसरा। अब सुनो सिंगार बच्चों अपन कर करें अपने अपने घर को चला जाए ए सखी चला सिंगार की मंजिल लावा अपना अपना सिंगार कर ए सखी। हेलो हेलो ए अपलेटर मास्टर तोहरो मेहरा रुकावतन के हमार भतार अपलेटर हो ना धीरे धीरे कंबावत तनी जा। मैं सुलेंद्र पासवान जी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कृपया मंच पे आए। रची रची सिंगारवा हो कैली आवा सखिया मिली के हो अब देवी के क्या तुम लोग पागल हो गई हो ए सखी? क्या तुम्हें पता नहीं कि सिंदूर वही क्रिया करती है जो विवाहित क्रिया होती है। मैं तो अभी कुमारी हूँ तो सिंदूर क्यों करूँ? अच्छा क्या तुम्हारा कभी शादी ना होले? अरे पागल शादी होता तो सिंदूर नहीं करती। सुना ये सखी सुना सुना अरे
तुहारा से छोटा छोटा आज भलिला लगुरिया। अच्छा आज तुहारा से छोटा छोटा भैनी लाल लगुरिया क्या? ये बतलाए कि आपसे छोटा छोटा सभी सखी को लड़कोर फुरकोर हैं, ये बतलाई कि आपको क्यों नहीं शादी हुई है सखी? तुम लोग नीच जाति की हो, तुम लोग में छोटा छोटा में विवाह हो जाता है। अच्छा, मैं बड़ी घराने की पुत्री हूँ, हमें उम्र पर शादी होता है। का ऐसा बात है? हाँ हाँ। ए सखी, हम जान गए नहीं कि तोहरा काहे खातिर शादी ना हो रहा जे। किसी क्या कोई कारण है? हाँ, क्या कारण क्या है जो सुन लीजिए सखी, मैं सुना देती हूँ। किया तोरा पिता सखिया आहे जात कटुआ है, जबान संभाल कर बात करो करो। हेलो हेलो। ए सखी, हम जान गए नहीं कि तोहरा के काहे खातिर शादी ना होलने, का तोरा पिता पंच के चोर हुवन की जात के काटल हुवन, एक पत्तल भात के खातिर तोरा के शादी ना करा लेने है सखी? सुनो ई असमन बतिया सखिया रे। अच्छा, लागे गोली के समना लागे गोली के समना आ हे
सखिया सामन बतिया रे सखिया हे भाई नरे बरदा सखिया हो भाई नहे परदा आहे या समर बतिया सब बात बोलती हूँ जो बिल्कुल गोली की समान बोलती हूँ ए सखी, लेकिन सुनो अब तू कहाँ सुने बस सखी कहाँ सुने बस बोले लाइक रहा ला ये बतलाव कि कद्दू ऐसा ध्यान के ला अभी तक शादी भी हमने नहीं सखी ये समान बतिया सखिया रे जाके कहा दे मैया से अरे जा जा ए सखी जा जाके कहबे मैया से अरे जा हे मैया से जाके कहबे मेरे समझा अच्छा आर मैया से जाके कहबे मेरे समझा आहो ये समन बतिया कह मैया से हे मैया से जाके कहा दे बेसा में उठाई हे मैया से जाके कहा दे बेसा में उठाई आ हे या समान बतिया ये सब बात जाकर अपनी माँ से जरूर कहूंगी जा ये सखी जा जा एरे सखी का ए सखी हम उनका के निमने बात समझेनी तो उनका के दुख लगे अब सोना सखी जाके कहिए माई से माई उनकर कहिए बाबू से और बाबू जी कोई किला में ना कोई किला में शादी करा दी है चला जाओ ऐसा सखी उनके बाल चला बेटी सुना सुना माँ सुन लो सुन लो सते अच्छे हारा आगे दिया आज कहे मुखवा आगे बेटी
कईले तू माफी तनु जी बेटी सुना माँ, मैं नित्यदिन तुम्हारे देखती थी तो चंचल चेहरा हंसते रहती थी, आज तुम्हारे मुख मलिन करने की क्या कारण है? सुनिए माँ, हाँ सदा खिलाता गईली, अच्छा माता सखी के संग हवा सतवा थे आज, हाँ सदा आही खिलाता माता जी गईली सखी के संग हवा में, अच्छा आज सखिया बोला के अता नमर को जी हम, क्या आज सखिया बोला के ता नमर के हम, आज यहां से तक खेल तक गईली बेटी सुना, हंसते खेलते सखी सहेली के संग देवी पूजन करने के लिए गई, लेकिन देवी दरबार में हमें सखी सहेलियां ताना मारी है माँ। क्या ताना मारी है? हाँ माँ, सुन लो की चीज के ताना के बेटी मार को तो हर सखिया में जरूर बताऊंगी, आगे की चीज के ताना तो हर सखिया में से करा के हो लिया दे धिया दे जागे सुनाई की अतीत के ताना साखिया मारा लगे तो अभी दवा बता जग बेटी बेटी सुना, सुना। माँ ये बताओ कि तुम्हारे सखी सहेली कौन ऐसा चीज का ताना मारा है, अब सक मुझे सुनाओ। सुनिए माँ, माँ
गजबा रहला न मैया हे बेटी किया जाबा रहला न मैया जी जात भी काटू हैं या पंच के चोर हैं जो अभी तक हमें शादी विवाह नहीं करवाए माँ, इसी बात को लेकर सखी सहेली देवी दरबार में ताना मारी है माँ। कैसी बात? हाँ हाँ ठीक है ठीक है बेटी, तुम्हारे कहना निक है, बाकी एक काम सुन लो, ध्यान लगा के सुनो। एक काम करो, तू अपने महल के पास धीरज के धारण करो करो। मैं ये सब बातों के राज बंगले पर मैं नहीं जाती हूँ, ये सब बातों तुम्हारे पिताजी से कहूंगी। ठीक है माँ। नमस्ते प्रणाम, मैं आपका भाई सिंगर धर्मेंद्र कुमार। आप लोग देख रहे थे नैनागढ़ की लड़ाई उर्फ आल्हा और सोनमा का विवाह। तो आप लोगों ने अभी तक भाग दूसरा देखे हैं, तो लीजिए आपके स्क्रीन पे हाजिर है भाग तीसरा। एक काम करो, तू अपने महल के पास धीरज के धारण करो करो। मैं ये सब बातों के राज बंगले पर मैं नहीं जाती हूँ, ये सब बातों तुम्हारे पिताजी से कहूंगी। ठीक है माँ। ओ बानी महारानी जी की खुशी हो, ये बताओ तुम कहाँ रहती हो, कितना देर करती हो? ना घर बाहर थली, चले जाओ राज बंगले पर और जाके मेरे स्वामी जी से कहना है कि आपको रानी महल में बुलाई है। ठीक है महारानी जी, जल्द जाओ और जल्द मेरे स्वामी को बुला के। ठीक है। हेलो चे हेलो हेलो। अच्छा श्रीमान जी, अभी अभी आप लोगों को सामने जो नाटक दर्शाया गया आल्हा खंड में से नैनागढ़ की लड़ाई एंड आल्हा और सोनमा के विवाह की कहानी,
तो अभी अभी देख रहे हैं कि राज बंगले पर विराजमान राजा नेपाली सिंह और बेटा जोगा और बेटा होगा। हम लोग आपस में किस प्रकार से वातावरण करते हैं वो आप लोग गौर फरमा रहे हैं। बेटा जोगा यार होगा। पिताजी ए राज नैना गढ़ा है और राज नैना गह में जब तक प्राण पिता परमेश्वर को सुमरन वंदना आराधना नहीं होता है तो किसी तरह को नहीं पाता है। कहना सत बात है पिताजी कि जब तक अले हमारे बंगले पर भगवान के भजन नहीं होता है तो हमारे बंगला उदास रहता है। इसलिए सभी बापू से मिलकर भगवान के भजन कर लीजिए तो बहुत सुंदर की बात होगा। तो बेटा जोगा और भोगा सभी परिवार सभी बापू तो मिलकर ए अपने राज बंगले पर प्रभु का भजन किया जाए। चल के बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है कर ला। बेटा जोगा होगा पिताजी सुमरन किया ब्रह्मा विष्णु जी के गंगा माँ को हमने चरण मनाओ। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत अच्छा लगा लगा। ठीक है पिताजी मैं भी सुमरन कर लेता हूँ। भी सुमरन कर लो। ठीक है शंकर के
पिताजी सुमरन क्या शिव शंकर की माँ पार्वती जी की चरण मनाया भाई छोटा भोगा तभी भगवान के भजन कर लो कर लो। ठीक है भैया जी। आप सुमर लकिया है भैया जी आजी मात सर देगा आजी मात सरस्वती के आज भूल लो चरण कैसा लगा बेटा जोगा और भोगा होगा प्रभु का नाम लेने से प्रभु का नाम लेने से जिसे लग रहा है कि सही बात पिताजी। चलिए बगले पर बैठ के सोच विचार करता हूँ। ठीक है बैठा जा। भाई छोटे भोगा आज बाली हमारे बंगले पर आई है इससे पूछो कि किस कारण से बंगले पर आई है। बेटा जोगा और भोगांगा ये तो रंग महल का बाली है लेकिन बाली के देखो कि किस प्रकार से आई है। अरे बाली ठीक है बाली सुनो सुनो इस भैंस ये इस भैंस राजा ने बाली से देखना नहीं चाहता है। मरदों का
तुम्हें कोई रंग महल में कोई तुम्हें बात कह दिया हार कि कोई पापी रंग महल में कोई तुम्हें आंख दिखा दिया है आदि बतलाओ कि कोई आंख दिखा दिया है तो उसे नाम बतलाओ कि राजा ने पाली सिंह उसका आंख नहीं दिखा लिया अगे बांदी कोई तोरा पर चढ़ गए लोगे क्या बोला आज ये तन्ना है जे कभी भी बांदी है जे हम लोग के राज बंगले पर नहीं आती थी या जाने के कारण कह तोरा पर को चढ़ रुक है कभी आती थी आज का कारण है कि आई यही तो वही ने पूछ लिया जे तो वही तो पूछ रही कौन कारण तोरा पर लुगे तू खवराल बोलला नहीं है क्या नहीं है क्या इज्जत से नाम लो तो इज्जत से ना बोल रही है जे इज्जत से बोले क्या इज्जत से ये देखो तो इज्जत से ये देखो तो ढोंढी दिखा के ले मजाक कर यार इज्जत से इज्जत नहीं रही इज्जत से बात कर भाई भाई ध्यान से इज्जत से ये जरा जरा महाराज कहो वाली बताओ क्या बात है किस कारण से आई है महाराज को रानी ने बुलाई रंग महलों ने क्या हमारी माँ रंग महल में हमारे पिताजी के अंत की है ठीक है पिताजी वाली खबर लेके आई है कि हमारे माँ रंग महल में आज की है क्या खबर लेके आई है अब जाके माँ से मुलाकात कर सकते हैं ठीक ठीक बेटा जोगाड़ भोगा लोग इस राज बंगले पे रहो और मैं रंग महल में जाकर इस बातों को खुद स्वयं समझता हूँ सुन ले आबरी सही है ना तो ऊपर नीचे झाक के यहाँ ना तो मकई में ले जाके तो पसीना छोड़ा दे क्या समझ गया हरामी और समझा ना जे क्या बड़ी सही है तो बढ़िया सही है ये कहो देखा तकलू भैया भैया मूर्ख कहीं का ठीक है पिताजी अब जाइए ठीक मैं जा रहा हूँ पिताजी को प्रणाम करता हूँ खुश रहो जीते रहो जीती रहो रानी खुशी रहो हे स्वामी लेकिन रानी स्वामी मैं तुमसे कुछ कहने के लिए चाहता हूँ कौन ऐसी बात है सुन लो दिलवा के हम मर जी बात
नमस्ते प्रणाम, मैं आपका भाई सिंगर धर्मेंद्र कुमार। आप लोग देख रहे थे नैनागढ़ की लड़ाई उर्फ आल्हा और सोनमा का विवाह। तो आप लोगों ने अभी तक भाग तीसरा देखे हैं, तो लीजिए आपके स्क्रीन पे हाजिर है भाग चौथा। रानी, स्वामी, मैं तुमसे कुछ कहने के लिए चाहता हूँ। कौन है शुरुआत है? सुन लो। रानी, स्वामी, मैं प्रतिदिन रंग महल में देखता था तो तुम्हारी चेहरा हंसी खुशी को, लेकिन आज तेरे नैन से जो नीर बह रही हो, आज काहे तू बनैला ए रानिया पगली के भेद, आज हाल बता दा। कि मैं प्रतिदिन रंग महल में ही आता था तो तुम्हारी चेहरा चंचल इराती थी, लेकिन आज बात क्या है, कारण क्या है कि तेरे अपने नैन से नीर बह रही हो? नीर बहाने की कारण क्या है? क्या बात है? अब शक मैंने सुनाऊंगी। सुनाओ। सुनिए। सियाना स्वामी जी
जे हो गए स्वामी जी देता हल कर सियान बेटी हो गई है। अच्छा क्या? कोई किला में लड़का ढूंढ के शादी करा देते तो बहुत खुशी की बात रहती। रानी इसलिए ते अपने रंग महल में नैन से निर्वाह रही हो। हाँ। तो क्या मैं क्या कर रहा हूँ ये तुम्हें कोई मालूम नहीं है? मुझे कोई पता नहीं है। जबकि मालूम नहीं है रानी तो सुन लो। आहे काम जोड़ा जो तबारनिया हे स्वामी टूटा गेलो नहीं ना है गढ़िया में। अच्छा बात नहीं कीजिए। आज बेटी जो आई पुरुष सवाल ये नहीं मिलाई ता हमार आज ये काम जोड़ा जो तबाद स्वामी। रानी इधर आओ बताइए। रानी एक काम ना किया में मैंने ढूंढ ढूंढ कर है नई नगर बैठ गया लेकिन घर मिलता है तो पर नहीं मिलता है और पर मिलता है तो घर नहीं मिलता है। मैं क्या करूं रानी मूर्छित होकर
राज नैनागढ़ में हम बैठे हुए हैं। क्यों के राजा नेपाली सिंह का जो पर्ण है कोई इस धरती पर वीर और बलवान पैदा नहीं लिया कि मेरा प्राण को पूरा करेगा वो शादी करेगा। हे स्वामी एक बात और सुन लीजिए, एक बात बात सुनिए स्वामी ना बिना माता के रे अब जी स्वामी जी अच्छा बेटिया दे अजी सोना जी रालो रानी, आपको मैं विनती करती हूँ कि आप अपने माथा पर के ये बोझ हटा लीजिए स्वामी। रानी जबकि तेने ऐसी बात कहती हो तो ठीक है जाओ जाओ, मैं राज बंगले पे इस बातों को सोच रहा हूँ और बीता जोगा और भोगा को बुलाकर मैंने बोलता हूँ जाओ। स्वामीनाथ का मैंने प्रणाम कर जाओ, जीती रहो जी महाराज। जाओ तेरे रंग महल। अच्छा आज रंग महल जाके बहादुर पीटा जोगा और भोगा के बुलाकर लेते आओ। ठीक है वो जैसा ना गया डर लिया डर लिया। ए मालिक जय जय जोगा भोगा मालिक। मेरे लाल जीते रहो बेटा जी, बेटा जोगा आप रंग महल में गए थे माँ से मुलाकात करने के लिए तो सुन लीजिए मैं क्या कहता हूँ। आप कहत कुशलिया जी पिता रंग महलों के हले
ये बताइए कि रंग महल की कैसा कुशल है, हमारी माँ की कैसा कुशल है, सुनाइए पिताजी। बेटा जोगा आज भोगा, मैंने रंग महल गया हूँ तो क्या सुनना लेकर आया हूँ, ये सो लो ध्यान लगा कर सुनाइए सुनाइए पिताजी सुनाइए सुनाइए। बेटा सुन ले जोगा भोगा बतिया हो हमारे पिताजी, आहो हो के लसियाना बेटा हमारा सुनवा बतिया ने पुत्री सोना है उर्फ मछला। हाँ। राज नैना गह में जोगा जवान हो गई है, यदि किसी किला में जाके शादी रचा देते हो तो की बात रहता। पिताजी सुन लीजिए पिताजी। बेटा जोगा इस समय आप बहुत नीक बात सोचे हैं पिताजी, ए हमारे
बहन के लिए आप बहुत अच्छा बात सोचे हैं। जो सोचा है ना, हाँ हाँ, तो बेटा मैंने जो सोचा हो सुन लो। बेटा जिस प्रकार से राजा जनक जी प्रण किए थे कि हमारे बेटी सीता सुपुत्री को एक धनुष है, जो धनुष को वीर और बलवान तोड़ देंगे उन्हीं को साथ में शादी करूंगा। हाँ पिताजी सत बात है। तो उसी प्रकार से बेटा ये हमारा भी पर्ण है, कोई इस धरती पर हमारा पर्ण को पूरा नहीं किया, इसलिए बेटी सोना को शादी नहीं हो रहा है। कौन ऐसा कारण है पिताजी? कौन ऐसा कारण है? हाँ सुन लो, ये हमारा नमस्ते प्रणाम। मैं आपका भाई सिंगर धर्मेंद्र कुमार, आप लोग देख रहे थे नैनागढ़ की लड़ाई उर्फ आल्हा और सोनमा का विवाह। तो आप लोगों ने अभी तक भाग चौथा देखे हैं, तो लीजिए आपके स्क्रीन पे हाजिर है भाग पांचवा। पिताजी, बेटा जोगा, इस समय आप बहुत नीक बात सोचे हैं पिताजी। ए हमारे बहन के लिए आप बहुत अच्छा बात सोचे हैं। जो सोचा है ना, हाँ हाँ, तो बेटा मैंने जो सोचा हो सुन लो। बेटा जिस प्रकार से राजा जनक जी प्रण किए थे कि हमारे बेटी सीता सुपुत्री को एक धनुष है, जो धनुष को वीर और बलवान तोड़ देंगे उन्हीं को साथ में शादी करूंगा। हाँ पिताजी सत बात है। तो उसी प्रकार से बेटा ये हमारा भी पर्ण है, कोई इस धरती पर हमारा पर्ण को पूरा नहीं किया, इसलिए बेटी सोना को शादी नहीं हो रहा है। कौन ऐसा कारण है पिताजी? कौन ऐसा कारण है? हाँ सुन लो, ये हमारा पर्ण यही है कि मैं उसी घर में मैं शादी करूंगा। अच्छा, कि जो वीर सबसे पहले लड़ाई हमको बेटा जोगा और भोगा से लेने पड़ेगा। यदि हमारे बेटा जोगा और भोगा को उन्हें पछाड़ देगा तो टीका के स्वीकार होगा। अच्छा, दूसरा लड़ाई राजा नेपाली सिंह से लेने पड़ेगा। यदि राजा नेपाली सिंह का पछाड़ देगा तो शादी का तीसरा लड़ाई राजा नेपाली सिंह का दरवाजे पर एक अस्थि हाथ का खम गड़ा हुआ है, उस पर मछली का चित्र दिया हुआ है और नीचे 80 मन का कड़ाह में 80 मन खौलता हुआ तेल है। जो दुल्हा बनेगा एक छलान में 80 हाथ का खम कबारते हुए मछली का चित्र तोड़ते हुए खोल खोल तेल में कूद के पार होगा, वही दुल्हा को। ठीक है पिताजी, दादी बहुत मेरा यही पर्ण है। पिताजी सुन लीजिए, सुन लो बेटा सुन लो।
का जोगाड़ होगा पिताजी। राज नैना गढ़ का नेपाली सिंह का कोई बात सुनता है टीका का बात बात तो सब जाके घर में घुस के पिताजी सुन लीजिए। पिताजी तनी सुनला आज दिलावा के हमारी बात आज कोई न शुभ कारज पिताजी करते दीदी के ठिकाने। अच्छा आज कोई न शुभ कारज पिताजी करते दीदी के ठिकाने आज सवन परना पिताजी करत ना सुबह आज सवन परना पिताजी करत ना सुबह राहज तई कुमार दीदी सुनो सुनो तुम्हें कहना है कि सब प्रण सुन करे करे कोई राजा ने ठिका नहीं बिलवाएगा हमारे भानु कुमारी रह जाएगी। हाँ नहीं नहीं तुम्हें सोच के सोचना गलत है। इस धरती पर कोई न कोई छत्री जन्म लिया होगा जो हमारे टीका को स्वीकार करेगा। भैया जी और सुन लो सुन लो सुनाइए सोचना है गलत है। अगर मैंने टीका लिख कर
देश दुनिया में भेजता हूँ, बरात साज के हमारे राज नैनागढ़ में आएगा तो हमारे से युद्ध जरूर होगा। भैया जी टीका लेकर बैठाना नहीं है, यदि ऐसा बात है तो हम दोनों भाई चलेंगे टीका लेकर बहन को। सत बात है पिताजी, पिताजी से आगे सबसे पहले टीका में जरा बात लिख दीजिए, दोनों भाई मिलकर हम लोग किला में लेके जाता हूँ। किसी राजा ने सहन शक्ति होगा तो हमारे टीका जरूर पहनाएगा। क्या ऐसा बात है? हाँ दौर पाओ टीका लाओ। लिखो हम लिखेंगे। एक कलम वाला ये हमारा वाला ये 2023 वाला है। इधर आओ बहादुर, बोलिए लिखो। राजा को मालूम, राजा को मालूम कि जो इस टीका स्वीकार करेगा, कि जो इस टीका को स्वीकार करेगा तो सबसे पहला लड़ाई जोगा और भोगा से लेने पड़ेगा, तो सबसे पहला लड़ाई जोगा भोगा से करना पड़ेगा। दूसरा लड़ाई राजा नेपाली सिंह से जलवासा में लेने पड़ेगा। दूसरा लड़ाई राजा नेपाली सिंह से जलवासा में लड़ना पड़ेगा। तीसरा लड़ाई राजा नेपाली सिंह का एक दरवाजे पर 80 हाथ का खाम गड़ा हुआ है और उस पर मछली का चित्र दिया हुआ है। नीचे खौलता हुआ कड़ाह में तेल है। जो दूल्हा बनने के लिए चाह करेगा, जो एक छलांग में 80 हाथ का खाम कबार देगा, मछली का चित्र कबारते हुए खोल खोल तेल में कूद के पार हो जाएगा, वही दूल्हा को लिखा गलो। लिखा गया ना? हाँ तू बोलते गए, हम लिखते गए। ठीक है बहादुर, माइक दियो। पिताजी दोनों भाई मिलकर इसे ठिका के लेकर चलता हूँ। और कुछ कहना है कि कहाँ कहाँ मैं जाऊँगा? क्या मैं कह रहा हूँ कि बेटा तेरे एक कामना दिशा में, एक कामना किला में इस टीका लेके जाना, लेकिन राज मुहाविया कभी टीका लेकर नहीं। पिताजी आपको कहना है कि काम ने किला में टीका लेकर जाना है, लेकिन पर महोबा नहीं जाना है। अगर महोबा जाने से इनकार किया है, क्या है? सुन लो, हो जातक के बना फर बेटा, हा कई मुहावरे वाला। अच्छा पिताजी बेटा जोगा और भोगा। पिताजी मैं इसलिए ब्राह्मण तेनु का समझा रहा हूँ कि राज मुहब्बिया जो है वो जात का ब्राह्मण है,
जात का ओछा है उसका हड्डी तक की छुआता है। ऐसा बात है पिताजी? हाँ तो ठीक है, आपको वचन मान के राज महाबा नहीं जाऊंगा। नहीं ठीक है, ये काम ना किया मैं तेरे जाओ टीका के चढ़ा कर मेरे ठीक है, लेकिन राज महाप्या कभी भूल कर नहीं जाना है। ठीक है ठीक है, भादुर तुम्हें कुछ कहना है? हे माली तोरे से ना बोले जे भाई को पकड़ा कहा ये ना कि जितना सुंदर आखू ना दीदी उतने सुंदर लई है जीजा ऐना कि अंदर को अंदर लंगर लिया जे खोज लिया जाके समझ ला आचार ला तो बढ़िया से जाके बढ़िया से जइया आ जाकर कहे जे वही राजा ही दिया टीका। अरे बदमाश पागल कहीं का धराओ क्या बोल रहा है? कौची बोल रही है कि कह रहा है कि जिस प्रकार से हमें महारानी सुंदर है हाँ उसी प्रकार से आप खोजिएगा तो उसी प्रकार से मतलब उतने सुंदर दुल्हन रथिन तरह ठीक रहती है। आंखा लगा के कहाँ से बात निकाल रहे हो? हम सोच रहे हो सके अंधरा लंगड़ा के खोज लेती थी। ठीक है जाओ जा जाओ। ठीक है भादुर भादुर पिताजी को प्रणाम करता हूँ। खुश रहो। याद ही ना बदमाश कहेगा ये राजा ने बाली सिंह सुन जान गया कितने राज मोहब्बत टीका चढ़ाए हो तो राज नहीं ना कहने तेलों का बाजरा चुप कर लगे। ठीक है पिताजी, आपको बात के मान करी करी मैं जा रहा हूँ, राज मोहब्बत नहीं जाऊंगा। ठीक है जाओ जाओ। हेलो 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 चेक हेलो हेलो आदरणीय दोस्तों पधारे हुए हमारे माता एवं बहनों यह जो आप लोग ड्रामा देख रहे हैं यह जो ड्रामा आप लोग देख रहे हैं आल्हा और सोनमा को विवाह किस प्रकार से आल्हा और सोनमा को विवाह हुआ है कृपया आप लोग शांति बना करके सुनिएगा दोस्तों। यह जो आप कहानी सुन रहे थे नैनागढ़ से यह जो कहानी अब आ चुका है राज महाब्या पा रहे अब इस जगह से आप राज महाब्या को कहानी सुनेंगे। भैया सरदार जी भाई रुडल यह राज महाब्या को कचहरी लगा है। सत्य बात है इस राज कचहरी पर नित दिन भैया जी भगवान को भजन होता है। आज भी इस राज मंगले पर भगवान को भजन हो जाता तो बहुत शुद्र की बात होता।
ऐसी सोच रखा है। सत्य बात है, कहा गया है भारुदल दल की राम नाम ने आलसी, राम नाम ने आलसी भोजन में होशियार। कह गए तुलसीदास की जलम जलम क्षत्रियो रजपूतो पगले पर, जब तक भगवान का भजन नहीं होता है तो जय जय होता है। सही कहा, बिल्कुल सत्य है भाई जोरी देवा भाई दयचंद। आज हम लोग राज कचहरी पर नौजवानों पधारा हूँ। अच्छा, क्या इस राज बंगले पर माँ देवी को नाम उच्चारण हो जाता तो बहुत सुंदर की बात होता भाई दयचंद। छात्र राजपूतों को बंगले